there are certain efforts to manage conflict. One thing I would like to share, जब हम लोग स्लाइड शो कर रहे थे तो यहाँ इसका जो हेडिंग था वो मैनेजमेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट था. एक जगह कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और मैनेजमेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट. हालांकि है सब किसी न किसी रूप में कन्फ्लिक्ट का मैनेजमेंट ही, लेकिन इस हेडिंग को चेंज करके बाद में आपका जो स्लाइड शो किया गया या आउटलाइन किया गया लेक्चर को, जब आपने स्लाइड को विजिट किया तो उस समय था इसका नाउ मैनेजमेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट. नाउ इट इज अंडर द हेड एफर्ट्स टू मैनेज कन्फ्लिक्ट. सो कन्फ्लिक्ट कैन बी मैनेज्ड बाय यूजिंग एफर्ट्स एंड व्हाट आर दोज. नंबर वन, प्रिवेंटिंग कन्फ्लिक्ट. पहली हम कोशिश करें कि कन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करें, एफर्ट्स लगाएं कि कन्फ्लिक्ट प्रिवेंट हो जाए. सो प्रिवेंटिंग कन्फ्लिक्ट इज द फर्स्ट एफर्ट फॉलोड बाय द सेकेंड. यदि प्रिवेंट नहीं हो सका तो क्या होगा, रिजोल्व करना होगा. सो रिजोल्विंग कन्फ्लिक्ट. सो इन वन सेंस और अदर देयर आर टू एफर्ट्स to be put together for the management of conflict, and that is why this subhead is efforts to manage conflict. So far as preventing conflict, the first one is concerned, there are some measures that prevent conflicts as goal structure, matlab organization ka goal, institution ka goal, and if it is clearly defined and identified, then there is minimum chance of conflict, and so this is an act that can prevent conflict. So if an organization identify its goal, it is helpful to prevent conflict. क्योंकि goal identified नहीं है, सब लोग अपने अपने ढंग से इसको define करेंगे तो conflict होगा. तो ये रिवार्ड सिस्टम, अच्छे काम करने वाले को यदि आप रिवार्ड करते हैं तो सब लोग अपनी पॉजिटिव एनर्जी काम में लगाएगा, कन्फ्लिक्ट करने का समय नहीं होगा, कन्फ्लिक्ट उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा. तो वैसे कंडीशन में सब अपना बेहतरीन देना चाहेंगे और रिवार्ड के फलस्वरूप कन्फ्लिक्ट अपने आप प्रिवेंट हो जाएगा, मतलब आएगा ही नहीं, उभरेगा ही नहीं. ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन, जहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन ऐसा है जिसके मेंबर्स आपस में इंटरेक्ट नहीं करते हैं, तो वहाँ ट्रस्ट और कम्युनिकेशन, ट्रस्ट की कमी तो होती ही है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट उभरता है. और यदि हम ट्रस्ट और कम्युनिकेशन गैप को मैनेज कर लेते हैं, ट्रस्ट को बना के रखते हैं और कम्युनिकेशन गैप को मैनेज कर लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में कन्फ्लिक्ट प्रिवेंट हो जाता है. And coordination among the members. So हम conflict को दो तरह से मतलब manage कर सकते हैं. एक तो prevent करें, कुछ ऐसा काम करें कि conflict उत्पन्न ही ना हो, और यदि उत्पन्न हो जाए तो resolve कैसे करें. So the conflict can be managed by using efforts as preventing conflict, और उसमें हमने चार पांच की चर्चा की, goal structure, reward system, ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन. दूसरा, यदि कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो गया तो उसको रिजोल्व करें, क्योंकि अनरिजोल्व कन्फ्लिक्ट जो है इंस्टीट्यूशन को हार्म करेगा. सो रिजोल्विंग कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट कैन बी रिजोल्व बाय अडॉप्टिंग एंड मैनेजिंग डिजायर्ड बिहेवियर एज इग्नोरिंग द कन्फ्लिक्ट. एक तो वो तरीका भी था अवॉइडेंस का. दूसरा, स्मूथिंग, मतलब बीच बचाव करके उनके बीच का यदि वाद विवाद है, कन्फ्लिक्ट है, तो उसको कम करें. कॉम्प्रोमाइज, फोर्सिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक दूसरे को प्रेशर भी बना के कर सकते हैं, फोर्स करें, नहीं आपको ऐसा ही करना है, ये हो गई बात के लिए. सो इग्नोरिंग, स्मूथिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, फोर्सिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर सम बिहेवियर दैट हेल्प टू रिजोल्व द कन्फ्लिक्ट. सो इन दिस वे, इन दिस पार्ट, we could learn that there are
two efforts through which the conflict can be managed, and the first one is prevention of conflict. ऐसा उपाय ऑर्गेनाइजेशन में करें, इतना खुला माहौल हो, ऐसी व्यवस्था हो कि कन्फ्लिक्ट इमर्ज ही नहीं करे, और यदि इमर्ज कर जाए तो उसके रिजोल्व करने के भी उपाय हों, कंप्रोमाइज़ के माध्यम से, प्रॉब्लम सॉल्विंग के माध्यम से, और फिर इग्नोरिंग कन्फ्लिक्ट आदि आदि के माध्यम से, जो हमने कहा. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर, दैट इज एफर्ट्स टू मैनेज कन्फ्लिक्ट. थैंक यू.